नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा वनवासी कल्याण केंद्र में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एकल आरोग्य प्रकल्प के तहत 10 दिवसीय टेलीमेडिसिन प्रशिक्षण का आज बुधवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण में भंडरा प्रखंड के 30 गांव के 30 आरोग्य सेविका और 3 आरोग्य संयोजिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सभी आरोग्य सेविकाओं को टेलीमेडिसिन के तहत ब्लड प्रेशर जांच, शुगर जांच, होमोग्लोबिन की जांच, श्वास दर, बुखार जांच, स्वच्छता से संबंधित विभिन्न बीमारियों से बचने के उपाय आदि की जानकारियां दी गई। आज के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका के सिटी मैनेजर विजय कुमार ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा, आप अपने अपने गाँव में जाकर ग्रामीणों के बीच ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। उन्हें टेलीमेडिसिन व साफ सफाई के बारे में बताते हुए उनकी समस्याओं की जांच कर उनके निदान करें। वहीं एकल आरोग्य प्रकल्प के जिलाध्यक्ष सतीश जायसवाल ने बताया, लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड को आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा गोद लिया गया है। भंडरा के सभी एक एक आरोग्य सेविका को प्रशिक्षित किया गया है। वे पूर्व में भी जड़ी बूटी द्वारा गाँव के रोगियों का इलाज करने का कार्य करते हैं। अब किट्स द्वारा जांच करने व इलाज में सेविकाएं काफी सहायक साबित होंगी। बताते चले कि आरोग्य सेविकाएं गांव में प्रभात फेरी, सॉक पीट और स्कूलों में स्वच्छता से संबंधित जड़ी बूटी आदि सराहनीय कार्य कर रही हैं। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत में आज 10 दिवसीय सेविका परिषद वर्ष हमारा चला। 4 तारीख से आज 13 तारीख को समापन हुआ। इस कार्यक्रम में हमने सभी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया। गांव-गांव में जाकर टेलीमेडिसिन का प्रशिक्षण है। इस टेलीमेडिसिन के तहत हमने सभी सेविकाओं को बीपी, शरीर, हीमोग्लोबिन, शरीर की संरचना के बारे में बताया, जिसमें महिलाओं को आपको बीपी मॉनिटर, वेट मशीन, बैग, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, थर्मामीटर, ग्रूम मीटर स्टिप, एसबी मीटर स्टिप, मोबाइल कवर, मोबाइल और सेवलॉन कॉटन, बेटाडीन, जो छोटी छोटी दवाइयों से इलाज हो सकता है उन सब सभी सामानों को देकर, पावर बैंक, सैमसंग फ़ोन सभी को दिया, पेन मास्क वगैरह दिए हैं, जिससे उसे परीक्षण कराया गया। लोगों ने सभी से अच्छी तरह 10 दिन में सीख ली है। यहाँ सीखने के बाद उन्होंने गांव-गांव में 30-30 गांव में जाएंगी महिलाएं और जाकर गांव में सबको ट्रीटमेंट करेगी, बताएगी, समझाएगी, बीपी शुगर का टेस्ट करेगी, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करेगी। किस योजना के तहत ये दी जा रही है? ये योजना आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत में कार्यक्रम कराया जा रहा है, ताकि गांव-गांव में स्वच्छ रह सके। हमने भंडरा प्रखंड के गांव को गोद लिया है, जिसमें भंडरा प्रखंड के हर गांव में 46 गांव में मेरा काम चल रहा है। इस गांव में सेविका में सौपीट गड्ढा, दीवार लेखन, लोगों को प्रभात फेरी कर करके गांव-गांव में हम लोग समझाते हैं। और ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, जैसे श्वसन दर कैसे नापते हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।